सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पीपी ब्लॉग में। और आज फिर से हम लोग घूमते फिरते पहुंच गए हैं एमजी रोड। आप जानते हैं मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है और काफ़ी समय बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो अपने चैनल में आपको हमेशा हम लोग समोसा, कचौरी, डोसा, इडली, ये सब का वीडियो तो दिखाते रहते हैं, बट आज हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। आज मैं आपको एक बर्गर के स्टॉल पे लेके आई हूँ। यहाँ का बर्गर बहुत ही बढ़िया बनता है। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट ये स्टॉल इतना अच्छा दिख रहा है और यहाँ की इतनी तारीफ सुनी है मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार तो ज़रूर ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ का टेस्ट वेस्ट कैसा है। तो आज हम लोग पहुँचे हैं सरदार जी बर्गर वाले एक स्टॉल पर और आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है ये स्टॉल। और तो यहाँ पे आपको स्पेशल अमृतसरी बर्गर मिल जाएगा, पनीर बर्गर मिल जाएगा, इसके अलावा सैंडविच, फिंगर चिप्स, स्प्रिंग रोल्स, चाइनीज़ पकौड़ा, इसके अलावा यहाँ पे आपको मोमोज भी मिल जाएगा। तो आप अपनी पसंद की कोई भी डिश यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और अब देखते हैं बर्गर बनने का प्रोसेस। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से बर्गर बन रहा है और यहाँ पर ना बर्गर के बीच में चाउमीन भी डाला जाता है, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मतलब बर्गर में चाउमीन मैंने पहले ऐसे देखा नहीं है कहीं पर, तो ये भी डिफरेंट लगा। और अब देख सकते हैं बर्गर की प्लेट आ गई है और कितना क्रीमी चीजी सा दिख रहा है ना। तो अब टेस्ट करते हैं इसको। बर्गर का टेस्ट, मैंने बर्गर पहले भी एक दो बार खाया है बट ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक देसी टेस्ट, जो अमृतसरी देसी टेस्ट आ रहा है ना, उसकी वजह से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने फिंगर चिप्स भी ऑर्डर किया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया फिंगर चिप्स फ्राई हो रहा है। और अक्सर हम कैफेज वगैरह में या कहीं और ऐसे स्टॉल वगैरह में जाते हैं तो जो फिंगर चिप्स होता है वो जो रेडीमेड पैकेट वाला आता है उसी को ही डीप फ्राई करके दे दिया जाता है, बट यहाँ पर आपको आलू को, मतलब फ्रेश आलू की कटिंग करके फिर उससे फ्राइज तैयार करके दिया जाता है। तो ये हेल्थ के हिसाब से ये वाला फ्राइज खाना ज़्यादा अच्छा है। आपको अमृतसरी छोले कुलचे और प्याज कुलचे भी मिल जाएंगे। तो कुलचे ऐसे स्टॉल वगैरह में बहुत ही कम देखने को मिलता है रायपुर में, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ का कुलचे ट्राई करेंगे। बट यहाँ का देख सकते हैं आप छोले कुलचे की प्लेट कितनी ज़्यादा यम्मी दिख रही है। मैंने तो छोले कुलचे एक आध बारी कहीं खाए हैं बट यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं अगली बार यहाँ का छोले कुलचे ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोग भी अगर पंजाबी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आके इनका छोले कुलचे ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो सरदार जी बर्गर वाला स्टॉल है ये शाम को 6:30 बजे से लग जाता है रात को 12 बजे तक। सुख सागर होटल के जस्ट सामने ही ये स्टॉल लगता है, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ की सारी डिशेज़ को ट्राई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।